राक्षस असुर। तो हेलो दोस्तों, आए दिन मूवी और वेब सीरीज तो आती रहती है, लेकिन उनमें से कुछ एक होती हैं जो एक गहरी छाप छोड़कर जाती है जनता के बीच में। यस, हिंदुस्तान में अगर वेब सीरीज का नाम लेते हैं तो मिर्जापुर और सेक्रेट गेम्स जैसी सीरीज अपने आप आंखों में आकर छा जाती है। लेकिन 3 साल पहले जब असुर आई थी, इसने लोगों के नीचे की आग फाड़ के रख दी थी, ब्रुटैलिटी की हद पार कर दी थी। मेकर्स ने सारी सच्चाई इतनी कड़वी तरीके से लोगों के सामने रखी थी, उनके होश उड़ गए थे। यस, असुर सीजन 1 को जनता से बहुत प्यार मिला था और इसके सेकंड सीजन का तो मानो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, असुर सीजन 2 के ऑल 8 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। भाई साहब, रूह कांप जाएगी और बॉलीवुड की सिनेमा के लिए इज्जत जाग जाएगी। मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, इस लेवल का इंटेलिजेंस, इस लेवल का सस्पेंस क्रिएशन, जहाँ ये शाहरुख सलमान की फिल्मों का क्रिएटिविटी लेवल खत्म होता है, वहां से इन जैसी वेब सीरीज की क्रिएटिविटी लेवल स्टार्ट होता है। भाई साहब, मेरी तस्वीर फट गई। बाय गॉड, अमेजिंग लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, अमेजिंग लेवल ऑफ स्टोरी राइटिंग। मतलब कितना हाई इंटेलिजेंस यूज करा है पूरी सीरीज में, भाई कमाल है। एक कहानी जो पहले से ही इतनी ज्यादा उलझी हुई थी, उसके साथ इतना छेड़छाड़ करना, उसे और इस हद लेवल तक उलझाना, भाई ऐसे कंटेंट को ना देखा तो क्या देखा, अगर मूवी देखना पसंद करते हो तब। लेकिन अगर आप इतनी सी बात से एक्साइटेड हो गए हो तो एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, पहले फर्स्ट सीजन जरूर देख लेना, तभी ये दूसरा सीजन आपको समझ में आएगा। और जिन्होंने फर्स्ट सीजन देख रखा है उनके लिए गुड न्यूज तो ये है कि भाई जितना तुम लोगों ने सोच रखा है ना कि क्या होने वाला है सेकंड सीजन में, 100% गारंटी दे रहा हूँ, उससे 10 गुना आप लोगों को कहीं ज़्यादा मिलने वाला है। जहाँ हम लोगों की सोच खत्म होती है ना कि इससे आगे और क्या हो सकता है, भाई वहाँ से इन्होंने कहानी लिखनी शुरू करी। मतलब फुल हाई इंटेलिजेंट। इस वेब सीरीज को देखने के बाद एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि बड़ी कास्ट, बड़े नाम की जरूरत है ही नहीं, अगर आपको इंडस्ट्री में छाना है या नाम बनाना है तो। बस आपके कॉन्टेंट में दम होना चाहिए और कैरेक्टर्स को जो बाखूबी निभा जाए स्क्रीन पर, वो विजन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, विशेष बंसल उर्फ 3 शुभ जोशी, इस बच्चे ने कैरेक्टर रोल प्ले के मामले में ऐसी आग फाड़ी है, आपकी रूह कांप जाएगी। ये अकेला बंदा पूरी सीरीज में भारी रहा, स्टार्टिंग से ही अरशद वारसी, वरुण सोबती और निधि डोगरा के ऊपर। हालांकि इन तीनों ने भी क्या कैरेक्टर पकड़ा है, क्या जबरदस्त कंटेंट दिया है, अपनी शानदार आर्ट से कमाल है। मेरे भाई, जितनी तारीफ करूं इस वेब सीरीज की कम है। जो लोग हॉलीवुड और जीओटी का गुणगान गाते रहते हैं ना, वो एक बार इस बॉलीवुड के कॉन्टेंट को जरूर देख लें। भाई ये वर्ल्ड लेवल का सिनेमा क्रिएट करा है मेकर ने, मतलब इस इंडियन मैथोलॉजी का यूज विद एडवांसमेंट काबिले तारीफ है। और एक बहुत बड़ा लेसन भी है सोशल मीडिया से रात दिन चिपके रहने वाले लोगों के लिए, मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़, मैथोलॉजिकल कनेक्शन क्रिएट करना और कल की वर्सेस कलयुग का सिनेरियो क्रिएट करवाना, कैसे 3 शुभ जोशी इतनी ब्रुटैलिटी दिखाता है लोगों को मारने में, तड़पाता है, भयंकर तरीके से मारता है ताकि भगवान कल्कि का रूप लेके नीचे आए और सारे पाप को नष्ट करे, मतलब कलयुग को खत्म करे। मतलब इस सीरीज का एक सोशल मैसेज यह है कि कलयुग अब चरम पर है। क्यों? पाप की सीमाएं बिल्कुल हद पर चढ़ रही है। दोस्तों, हैट्स ऑफ है डायरेक्टर एंड क्रिएटर को, क्या जबरदस्त कंटेंट हमारे लिए तैयार किया है। शायद ही इस लेवल को फिर कोई और भी मैच कर पाएगा। जी हाँ, डायरेक्टर ओनी सेन ने जबरदस्त डायरेक्शन दिया है। इस बंदे को अब बॉलीवुड में जगह मिलनी चाहिए बड़ी फिल्मों में। बाकी हर एक कैरेक्टर्स का स्क्रीन प्ले दमदार है। और एक बार फिर कहूंगा यार, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है इस वेब सीरीज को तो अपना कीमती समय निकालकर जरूर देखो, आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। पहला तो ये, अगर आप लोगों ने दोनों सीजन देख लिए हैं तो आपको बेस्ट कौन सा लगा? दूसरा ये कि असुर 2 क्या ये कंटेंट हॉलीवुड की बड़ी बड़ी वेब सीरीज को टक्कर देता है? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।